अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 6.7 को प्रूफ करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला भी, और तकरीबन ये हमारे इस चैप्टर नंबर 6 का आखिरी थ्योरम है। इसके बाद भी एक थ्योरम है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें इसकी स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, लेट पी बी द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम एस टू द बेसिस एस। तो इसके जितने भी थ्योरम है सारे के सारे चेंज ऑफ बेसिस के ऊपर ही हैं। चार पांच इसके थ्योरम है, चारों पांचों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और चारों जो हैं वो चेंज ऑफ बेसिस के आर्टिकल पे ही हैं। तो इनमें से अक्सर एक थ्योरम आता है, लेट पी बी द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम एस टू द बेसिस एस डैश इन अ वेक्टर स्पेस वी। तो आपको पता है कि पी किस तरह से बनता है, इसके एक एलिमेंट को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं, उसके साथ स्केलर यूज़ होते हैं, फिर इसके दूसरे एलिमेंट को इसके, तो एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स बनता है जिसको हम लोग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स कहते हैं। हमने थ्योरम नंबर 6.6 में और 6.4 में आई थिंक या 5 में हमने इसको प्रूफ भी किया था। तो आपने देन फॉर एनी लीनियर ऑपरेटर टी ऑन वी, तो आपने प्रूव ये करना है कि कोई सा भी अगर लीनियर ऑपरेटर लिया जाए वी से वी तक, तो टी इंटू एस डैश उस लीनियर ऑपरेटर के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर एस डैश के रिस्पेक्ट से बनते हैं। ठीक है, जो लीनियर ऑपरेटर आप वी से वी तक ले रहे हो उसके जो कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस डैश बनते हैं वो इक्वल होते हैं कि जो विद रिस्पेक्ट टू एस आपके कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा उसको पी इनवर्स और पी से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से यानी कि एस डैश के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं वो एस के कोऑर्डिनेट वेक्टर को पी इनवर्स और पी से मल्टीप्लाई करने से आ जाते हैं। अगर आपके पास टी एफ एस मौजूद है उसके एक तरफ पी रखें एक तरफ पी इनवर्स रखें तो आपके पास टी इंटू एस डैश निकलेगा। इसको आप एग्जाम्पल से करके भी देखें, ठीक है, आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। कि इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ के लिए हम थ्योरम नंबर 6.6 को यूज़ करेंगे। हमें पता है 6.6 थ्योरम में हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि पी के साथ अगर वी के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस एस डैश अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास निकल आते हैं वी के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस एस। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं थ्योरम नंबर 6.6 का हमने इसमें हवाला दे दिया, या आपने थ्योरम याद रखना है स्टेटमेंट अगर आपने थ्योरम नंबर 6.7 को प्रूफ करना है। 6.6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ये यूज़ कोई थ्योरम इसमें ये थ्योरम जो कोई यूज़ हो रहा है पीछे से, तो ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन फिर भी आ सकता है। ठीक है, आप ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग पी इनवर्स टी एस इस तरफ भी लिखते हैं, ये साथ ये वाला वैसे ही लिखते हैं पी इंटू वी एस डैश। ठीक है, ये वी ऐसा सही है, स्मॉल वी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, इज इक्वल टू, और इधर भी इसको ये इधर इसको इधर लिखा है तो इधर भी लिखेंगे पी इनवर्स टी एस पी वी इधर सॉरी आपने पी इनवर्स टी एस इधर भी लिखा और ये साथ ये वी एस वैसे का वैसे ही ओके हो गया। अब थ्योरम नंबर ये इसको वैसे लिखो अभी फिलहाल, विद रिस्पेक्ट टू एस डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स ये आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि टी एस वी एस ये इक्वल होता है
टी इंटू वी और इसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एस। कौन सा थ्योरम था? सबसे फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी कि टी के को वी के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके विद रिस्पेक्ट टू एस कोऑर्डिनेट वो इक्वल होते हैं, यानी कि इसके विद रिस्पेक्ट टू एस इसके विद इसको मल्टीप्लाई करके, या टी वी निकाल लें और इसके विद रिस्पेक्ट टू एस ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 1.6.1 की स्टेटमेंट, तो वो मैंने इधर यूज कर लिया। ठीक है, तो अब हमने अगर इस पी को उधर इन्वर्स कर दिया जाए तो हमें पता है पी इनवर्स वी एस किसके इक्वल होता है, वी एस डैश के। तो पी इनवर्स ये एस का एक कोऑर्डिनेट वेक्टर है, जब इसके साथ पी इनवर्स आएगा एस के, एस वाले के साथ पी इनवर्स आएगा तो क्या बनेगा, एस डैश वाला बनेगा। तो पी इनवर्स जब टी एफ वी, ये एक इस पे पी इनवर्स जब होगा तो ये किस में चला जाएगा, ये टी एफ वी एस डैश बन जाएगा। ठीक है, इसको आप एक एलिमेंट, एक वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट समझें, एक वेक्टर समझें। तो जब एक वेक्टर पे पी इनवर्स अप्लाई होता है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस एस है, वो उस पर पी इनवर्स अप्लाई होता है तो वो वी वो सेम रहता है लेकिन उसकी बेसिस एस डैश वाली बन जाती है। सेम आपने इधर भी करना है। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है, बेसिस एस के लिहाज से जब इस पर पी इनवर्स अप्लाई होगा तो ये एस डैश वाला बन जाएगा। तो इसको लिखते हैं, ये बन गया आपके पास, इधर इसे कर लेते हैं पी इनवर्स टी एस पी एफ वी एस डैश इज इक्वल टू टी एफ वी एस डैश। ये चीज इसमें आपके पास बच गई बाकी। ठीक है, इसको दोबारा इधर से देख लेते हैं एक दफा, ये वैसे ही रहा p इनवर्स टी एस पी एफ वी एस डैश इज इक्वल टू। ठीक है, इसको मैंने p इनवर्स ये मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो ये आपके पास बन जाएगा डैट इम्प्लाइज p इनवर्स टी एस पी वी के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू s डैश इज इक्वल टू, इसको फिर लिख सकते हैं t ऑफ इस तरह से लिख लें इसको, वही थ्योरम नंबर 1 जो है उसको आप दोबारा मैं अप्लाई करने लगा हूँ। तो टी को लैदा एस डैश, ठीक है, टी के साथ लैदा से, टी के कोऑर्डिनेट्स लैदा से विद रिस्पेक्ट टू बेसिस एस डैश, और वी के लैदा से बिल्कुल ये जो थ्योरम मैंने इधर जिसकी बात की है ना विद रिस्पेक्ट टू एस, ये वाला इसी को, टी ऑफ वी एस है तो टी के साथ एस और वी के साथ एस, इस तरह से। तो ये मेरे पास आ गया v s डैश। अब चूंकि मैपिंग जो होती है, अब हमने शुरू में पढ़ा था कि v के वेक्टर से लेके कोऑर्डिनेट वेक्टर देखिए, इसमें जो स्केलर यूज करते हैं जिसको कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं, ठीक है, a1 a2 जो फील्ड में से लेते हैं इसके, और जो वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट्स पिक किए जाते हैं स्मॉल v1 v2 जो भी, ये मैपिंग आपकी ऑन टू होती है। ठीक है, तो ऑन टू होने की वजह से किसी भी एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट जो है वो मैप होता है, हर एक एलिमेंट यानी कि रेंज पूरी की पूरी आपकी कवर होती है, रेंज में कोई एलिमेंट आपका मिस नहीं होता, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं p इनवर्स टी एस पी, और इस कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ x, ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू टी इंटू एस डैश इंटू एक्स। ठीक है, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू के एन, ये हर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू के एन, ये हर एलिमेंट के लिए बात ट्रू होगी ऑन टू मैपिंग के ऑन टू होने की वजह से। तो ये बनेगा पी इनवर्स टी एस पी एक्स इक्वल टू टी एस डैश इंटू एक्स। तो ये मेरे पास हर एलिमेंट के लिए ट्रू है,
तो हम इसको फिर कह सकते हैं कि इन जनरल पी इनवर्स टी एस पी इज इक्वल टू टी इन टू एस डैश। तो ये चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, तो ये मेरे पास प्रूव हो गई। इधर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हुई है, लेकिन हमने कहा चूँकि ये मैपिंग ऑन टू है, तो जिस तरह एक एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट के लिए बात ट्रू होगी। तो कोई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू के एन, कोई भी यानी कि के एन कोऑर्डिनेट वेक्टर एक्स कैसा एलिमेंट होगा, एक एन टपल ए वन कॉमा ए टू इसी टाइप का एलिमेंट होगा, ठीक है, तो उसके हर एलिमेंट के लिए बात ट्रू होगी। तो इन जनरल ये बात ट्रू है कि टी ऑफ एस बेसिस एस के मुताबिक उसको पी इनवर्स और पी से मल्टीप्लाई करें तो एस डैश जो ट्रांसफॉर्मेशन के कोऑर्डिनेट वेक्टर निकल आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें थ्योरम नंबर कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा जो आप लोगों ने खुद इस चैप्टर में से करने हैं। जो थ्योरम्स नहीं है लेकिन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है तो वो एग्जाम में उसके आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, इसलिए आप लोगों ने उसको कर लेना है। तो हम अभी इसका थ्योरम नंबर 6.13 और 14 जो है 14 को हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको उन थ्योरम्स के बारे में बताता हूँ। तो इस थ्योरम में हमारा आखिरी थ्योरम है, इसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। एफ फ्रॉम वी टू यू बी आर लीनियर। अब आपके पास वी से वी नहीं है, वी से यू आर, इसमें दो तीन थ्योरम इसमें और भी हैं, बल्कि तीन तीन थ्योरम है, वो आपने असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको देने हैं, वो मैं आपको बाद में इसके बारे में बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं और कौन कौन से थ्योरम आपने इसमें से और करने हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे के सारे आप मुझे वीडियो जो है ना वो बना के तो आप मुझे उसकी सेंड करोगे, उसी की बेस पे मैं आपके असाइनमेंट के प्रेजेंटेशन के मार्क्स लगाऊंगा। तो ये आपके पास अब सिर्फ इतना फर्क आ गया कि वी से यू तक एक लीनियर मैपिंग है, वी से वी तक नहीं है। इसलिए अब अगर इधर आपके पास एक एलिमेंट आएगा वी, तो इधर आपके पास आएगा एफ ऑफ वी। अब चूंकि v से u तक आपके पास मैपिंग है, तो अब आप f ऑफ v को इनके लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, क्योंकि f ऑफ v इसका एलिमेंट नहीं है बल्कि u का एलिमेंट है। तो f ऑफ v को आप u की बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हो, क्योंकि ये u का एक एलिमेंट होगा। इतना उसमें था v से v तक, तो f ऑफ v भी v का ही एलिमेंट बनता था, तो हम v का एलिमेंट बनने की वजह से v की बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में ही उसको लिख देते थे। बाकी इसके अलावा और थ्योरम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसको आप लोग सर्च करेंगे और ये थ्योरम्स आप लोग प्रूफ करके वो मुझे देंगे। अच्छा, तो इसमें वो कहता है कि जो रैंक है f का वो इक्वल है r के, ये उसने दिया हुआ है। देन देयर एग्जिस्ट बेसिस v of u such that, कहता बेसिस v और u की बेसिस है आपके पास कि मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस टाइप की बनती है, ठीक है, इस टाइप। ये चीज आप लोगों ने प्रूफ करनी है। तो बेसिस आपको v की भी उसने बता दी है, u की भी बता दी है कि इसकी कुछ बेसिस होंगी, तो हम लेट कर लेते हैं, प्रूफ इसका शुरू करते हैं। प्रूफ हम बेसिस की बात वो कर रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं कि डिमेंशन ऑफ v जो है वो हम मान लेते हैं कि वो आपके पास है m, यानी कि v की जो बेसिस है उसके अंदर m वेक्टर है, और डिमेंशन ऑफ u हम लोग मान लेते हैं n। लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास इस तरह से, ये आपके पास v है और ये आपके पास u है, इसमें एक मैपिंग f है। मान लेते हैं कि इसका कर्नल है कुछ इधर पड़ा हुआ है, इसका भी कर्नल होगा ना, डिमेंशन ऑफ f, रैंक ऑफ f जो है वो r के इक्वल है, ठीक है। तो इसका कर्नल जो है वो हम इसको कर्नल को कह देते हैं w। तो लेट कर लेते हैं, लेट w इज कर्नल ऑफ v, सॉरी f, w इज द कर्नल ऑफ द मैपिंग, ठीक है, ये v का सबसेट होता है। w इज द कर्नल ऑफ f, और इधर मान लेते हैं कि इसके अंदर जो इमेज कर्नल हमेशा v का सबसेट होता है और इमेज हमेशा u की सबसेट होती है, और मान लेते हैं
कि यू डैश है, ये यू डैश है, यू डैश इज इमेज ऑफ एफ। तो ये सारी की सारी चीजें हमें उसने बोली हुई हैं, तो हमने इसको लेट कर लिया। हमें पता है कि रैंक कितना है, रैंक ऑफ एफ हमें उसने दिया हुआ है कि वो कितना है आर। तो रैंक अगर आर है तो फिर कर्नल कितना होगा, देन कर्नल ऑफ एफ इक्वल होगा एम माइनस आर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रैंक प्लस कर्नल दोनों को अगर, दोनों की डिमेंशन अगर ली जाए तो वो किसकी डिमेंशन बनती है, वी की डिमेंशन, डिमेंशन ऑफ वी के इक्वल आता है। हमने एक थ्योरम प्रूव किया था, सो एम माइनस आर प्लस आर, आपके पास एम आना चाहिए। सो अगर ये हमें दिया हुआ है कि रैंक ऑफ एफ इक्वल टू आर है, तो फिर कर्नल ऑफ एफ जो है वो आपके पास इक्वल होगा एम माइनस आर के। तो कर्नल के अंदर एम माइनस आर वैक्टर हैं, तो हम कर्नल की डिमेंशन भी मान, उसके अंदर भी वैक्टर्स को ले लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, फिर इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट करते हैं, लेट W1, W2 एंड सो ऑन, W m माइनस आर, m माइनस आर, क्योंकि m माइनस आर है ना उसकी डिमेंशन, तो m माइनस आर वेक्टर होंगे 1 से लेके m माइनस आर तक। ये बेसिस हैं कर्नल की, बेसिस हैं कर्नल ऑफ f की। तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंड, क्योंकि ये सबसेट होता है उसका वी का, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे जब बेसिस हैं, तो यही डालते हैं बेसिस के अंदर, एक्सटेंड टू बेसिस ऑफ कुछ यही डालते हैं, और बाकी अपने पास से डाल लेते हैं बेसिस ऑफ वी। डब्ल्यू वन से लेके डब्ल्यू एम माइनस आर तक तो यही रहने देते हैं, और बाकी कितने और डालने पड़ेंगे, यू वी वन, वी वन से वी वन, वी टू एंड सो ऑन, वी आर और डब्ल्यू वन से लेकर डब्ल्यू एम माइनस आर, टोटल कितनी हो गई, एम माइनस आर ये हैं, आर ये हैं, तो एम माइनस आर प्लस आर, तो ये टोटल मेरे पास एम हो गई। तो ये मुझे पता है उसकी बेसिस एम है, तो m माइनस आर ये थी, और r कम थी तो वो r मैंने और वेक्टर डाल लिए, और ये तो पहले से लीनियरली इंडिपेंडेंट थे क्योंकि ये तो बेसिस थिंग कर्नल की हमने मानी हुई है, इनको मैंने वैसे ही रहने दिया, और मजीद जो जितने वेक्टर कम थे उतने वेक्टर और डाल के मैंने टोटल m वेक्टर कर लिए, और ये मैंने बेसिस बना ली v के लिए। ठीक है, ये चीज़ इसमें ज़रूरी है, हमने उसमें भी इसी तरह एक्सटेंड बेसिस को करते थे। इसी तरह से हम ये कह लेते हैं कि यू वन, U2 and so on, UR, UR तक जो हैं ये बेसिस हैं, बेसिस ऑफ U डैश, U क्योंकि उसकी रैंक कितना है R है, तो उसमें R वेक्टर आएंगे, U1 से लेके UR तक कह लेते हैं, ये बेसिस हैं U डैश की, जो इमेज है जो F की, तो इसको भी हम U की बेसिस, अब U की बेसिस कितनी है, N है, तो कितने और डालने पड़ेंगे, हम U1 आर तक तो यही लेते हैं और मजीद इसमें ऐड करने हैं, तो यू आर प्लस वन एंड सो वन यू एन, तो ये मैंने बेसिस हो गई, बेसिस मैंने बना ली, बेसिस ऑफ यू। ठीक है, उसकी यू डैश जो था, रैंक जो था एफ का, वो इमेज का तो इसमें ये बेसिस, बेसिस ऑफ यू 42 बेसिस हैं यू की। ठीक है, तो ये मुझे इमेज रैंक की मुझे डिमेंशन आर गिवन थी, रैंक ऑफ आर गिवन था, आर में मैंने एन, एन टोटल डिमेंशन थी यू की, तो मैंने उसमें आर प्लस वन मजीद वेक्टर डाल के उसको एन तक मैंने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग अपना वो काम करते हैं एफ ऑफ V1, F of V1 किसके इक्वल होगा, U1 के, क्योंकि इधर एक V1 है
तो इस पे जब एफ अप्लाई करेंगे तो ये यू वन पे मैप होगा, ठीक है। तो वी वन यू वन पे होगा, वी टू किस पे मैप होगा, वो भी वी टू यू टू पे मैप होगा। वी थ्री किस पे होगा, यू थ्री पे होगा, ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। वी आर किस पे मैप होगा, यू आर पे मैप होगा, इस तरह से ये सारे, क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं और इन्होंने मैप होना है इसके ऊपर, वी से यू के एलिमेंट्स पे मैप होना है। लेकिन डब्ल्यू वन किस पे मैप होगा, वो जीरो पे होगा, क्योंकि वो तो कर्नल का एलिमेंट है, उसने तो जीरो पे मैप होना है। इसी तरह से अब W वाले सारे वी आर तक यू आर पे मैप होंगे और बाकी सारे W M माइनस आर तक वो सारे के सारे किस पे मैप होंगे, वो बाकी सारे के सारे जीरो पे मैप होंगे, ठीक है। वी वन यू वन पे होगा, हमने इसमें एक थ्योरम भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में कि अगर मैपिंग आपकी लीनियर है तो वी वन यू वन पे मैप होता है, दूसरा वी टू यू टू पे मैप होगा, वी थ्री यू थ्री पे मैप होगा, ठीक है। तो आपके पास जो कर्नल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कर्नल वाले जीरो पर मैप होंगे। अब U1 को हम लोग लिख सकते हैं 1U1 प्लस 0U2 एंड सो ऑन 0UN। इसको लिख सकते हैं 0U1 प्लस 1U2 एंड सो ऑन, इसको मैं रेस कर देता हूं, एंड सो ऑन 0UN, 0U1 प्लस 0U2 प्लस 1U3 एंड सो ऑन 0UN, और इस तरह से इसको भी 0U1 प्लस 0U2 एंड सो ऑन, इसको लिख सकते हैं 1UR, और इसको 0U1 प्लस 0U2 एंड सो ऑन 0UN एंड सो ऑन, ये सारा। तो अब ये जो आपने एक मैपिंग के एक एलिमेंट को U की बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा है, तो इसके जो ये स्केलर्स हैं ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है, इससे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनेगी। और वो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी बन रही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से, और बाकी सारे नीचे जीरो हैं, तो वो यही बन रही है आपके पास, जो आप लोगों ने प्रूफ करना था वो आपके पास बन रही है इस तरह से। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या बन रही है, 1 0 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1 0 0 एंड फिर 0 0 1 एंड सो ऑन 0, और एंड पे आके इस तरह से ये चलता जाता है इधर तक, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और सब बाकी जो ये वाले हैं लास्ट वाले कर्नल वाले वो सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा उसमें आर आर एलिमेंट्स तक, ठीक है, और इसके बाद बाकी जो है ना वो सारे ज़ीरो ही होंगे। तो ये आपके पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन की आपने इसमें कैनोनिकल फॉर्म टाइप की ये बन जाएगी। तो ये थ्योरम आपका पूरा हुआ, बाकी जो थ्योरम आप लोगों ने खुद करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जो क्वेश्चंस करने हैं। और हम अब चैप्टर नंबर 7 जो हम लोग कर रहे थे उस चैप्टर 7 को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे तब तक।